आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, सो द क्वेश्चन इज व्हिच इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एसटीपीज। अब एसटीपीज क्या होता है? एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें हम क्या करते हैं, सीवेज वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन मतलब कि भारी हैवी सब्सटेंसेस का नीचे इकट्ठा होना एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, एक सुपरनेटेंट निकाल लेते हैं। सुपरनेटेंट को हम बोलते हैं एफ्लुएंट बच जाता है हमारे पास, और जो सेडिमेंट हो जाती हैं चीज़ें उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। ठीक है, और फिर इस एफ्लुएंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लेके जाते हैं। जब ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाएगा एफ्लुएंट, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एरेशन टैंक से पास करते हैं। तो उस एरेशन टैंक से पास करने पर, जैसे एरेशन टैंक से पास किया, तो उस पर जो एरोबिक माइक्रोब होंगे वो ग्रो कर जाएंगे, और वो ग्रो करके क्या बना देते हैं, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे फंजाई एंड बैक्टीरिया का आपस में मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं फ्लॉक्स। तो इसके बाद हम इसकी बीओडी देखते हैं। बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि उस हम फिर इसकी बीओडी को रिड्यूस करते हैं। जितनी कम बीओडी होगी, मतलब कि उतना ही हमारा वाटर जो होगा साफ होगा, उसमें उतने जो बैक्टीरिया होंगे वो कम होंगे। तो हम उसकी, अगर एक बार बीओडी कम होगी, तो इसको हम पास करते हैं सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में पास करने के बाद जो उसके फ्लॉक्स बने होंगे, उसको हम सेडिमेंट करते हैं। ठीक है, तो सेटलिंग टैंक में वो एक बार चला गया, उसके बाद उसके फ्लॉक्स को हम अलाउ करते हैं क्या करने को, सेडिमेंट करने को, और वो सेडिमेंट होने के बाद जो चीज़ बचती है उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इस सेडिमेंट को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, और इस एक्टिवेटेड स्लज को हम पास करते हैं एनारोबिक स्लज में, जिसमें एनारोबिक जो माइक्रोब होंगे वो इसका डाइजेशन करके अलग अलग गैसेस बनाएंगे। अलग अलग गैसेस कौन कौन सी बनाएंगे, एक तो वो बनाते हैं मीथेन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और जो ये सारी गैसेस किसकी कॉम्पोजिशन होती है, बायोगैस की। तो ये बायोगैस को हम आगे यूज करते हैं। तो अभी हम स्टेप्स देखते हैं क्या है। तो स्टेप्स में पहले क्या होगा, ऑप्शन वन में दिया हुआ है कि प्राइमरी स्लज से इफ्लुएंट, इफ्लुएंट से फ्लॉक्स, फ्लॉक्स से बायोगैस। तो जो पहला ऑप्शन है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, कि इसमें यही दिया हुआ है कि प्राइमरी स्लज आया, स्लज मतलब जो सेडिमेंट हमने निकाल देते हैं, फिर इफ्लुएंट को हम फ्लॉक बनाते हैं, फिर फ्लॉक से उसको एक्टिवेट स्लज में पास करते हैं, उससे बायोगैस बनती है। सो फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, बाकी भी देख लेते हैं ऑप्शन। पहले में फ्लॉक्स नहीं, फ्लॉक्स स्टार्टिंग में नहीं बनती, स्टार्टिंग में प्राइमरी स्लज बनते हैं, सो दिस इज इनकरेक्ट। उसमें प्राइमरी स्लज से इफ्लुएंट आया, इफ्लुएंट से एक्टिव स्लज नहीं, इफ्लुएंट से फ्लॉक बनता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो इफ्लुएंट नहीं, स्टार्टिंग में क्या होता है, प्राइमरी स्लज होता है, इफ्लुएंट नहीं होता। तो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है फर्स्ट। आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।